ये फायर अट्रैक्शन रूल आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो। अब कुछ लोगों को ये सेलिब्रिटी इस वीडियो में आपको चार्मर लग रहे होंगे, कैरिस्मेटिक लग रहे होंगे या बैड बॉय लग रहे होंगे, तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों लड़कियां इतनी ज्यादा पागल हैं इन सेलिब्रिटियों के पीछे, ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और काइंड ऑफ ये एक सेड्यूसिंग टेक्निक है जो आप में भी हो सकती है, तो आप अगर रिलेट कर पाओ कि आप किस तरह के सेड्यूसर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करूं नंबर वन चीज की, जो कि है कैरिस्मेटिक होना। अब कैरिस्मेटिक होना ऐसा होता है जैसे कि किसी भी महफिल में आप एंटर कर रहे हो और सारे लोगों की अटेंशन आप पे आ जाना और सब लोग आप ही को देख रहे हैं, तो ये ऑरा कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी टाइप है कैरिस्मेटिक का। शाहरुख खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का। इनकी वाइब भी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है जो लड़की को बहुत ही ज्यादा चीज करने पे मजबूर कर देती है। इसमें आपके लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट करना आपकी अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। अगर आप में ये चीजें हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैरिस्मेटिक हो सकती है। बात करूं सेकंड रूल की, जो कि द सायरन रूल। अब इसमें आपकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब भी आप किसी लड़की से बात करते हैं आपकी टोनैलिटी कैसी है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आप कितना कम्युनिकेशन कर रहे हो जिससे लड़की आपसे एंगेज हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन लगता है लड़कियों को। और ये सायरन रूल का एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हो जो कि फर्जी मूवी से है, जहां पे शाहिद कपूर अप्रोच कर रहे हैं लड़की को, और जब आप देखोगे शाहिद कपूर को अप्रोच करते हुए वो काफी स्मूथ और काफी अच्छे से टोनैलिटी को यूज किया हुआ है। अगर आपकी भी पर्सनैलिटी ऐसी रिलेटेबल है तो सायरन सेड्यूसर आप हो सकते हो। बात करूं थर्ड पर्सनैलिटी की, जो कि द रेक पर्सनैलिटी। अब ऐसे बंदे जो बहुत ही ज्यादा अपने डिजायर के पीछे भागते हैं, काइंड ऑफ एक बैड बॉय जिन्हें बहुत ज्यादा एडवेंचर करना पसंद है, थ्रिल करना पसंद है, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये वाइब बैड बॉय की बहुत ही ज्यादा लड़की को अट्रैक्ट करती है और बहुत ज्यादा उत्साहित करती है कि वो थ्रिल एंड वो एडवेंचर वो भी फील करे। इसका एग्जांपल दूं तो सलमान खान से अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। भाई बैड बॉय भी है और फार्म हाउस में बहुत ही ज्यादा थ्रिल एंड एडवेंचर भी करते हैं। और अगर आप बात करूं बैड बॉय नेचर की, तो भाई सब जानते हैं कि सलमान खान का बैड बॉय कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादातर बैड बॉय में होती है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है जहां आप थ्रिल करते हो, एडवेंचर करते हो, काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा पैशनेट अपने डिजायर को लेके, तो आपकी पर्सनैलिटी इधर रेक हो सकती है। बात करूं फोर्थ पर्सनैलिटी टाइप के बारे में, जो कि द चार्मर पर्सनैलिटी। अब ऋतिक रोशन की जो वॉर मूवी है उसका जो एंट्री सीन है आपने कभी मिस नहीं किया होगा, और जब आपने देखा होगा ये एंट्री के लिए लोग पागल हो गए थे। जो ओवरऑल लुक है बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, और ये चीजें सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कियों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। नो डाउट कि ऋतिक रोशन गॉड गिफ्टेड है, बट डेफिनेटली अगर आपके लुक्स, आपका एटीट्यूड और बहुत ही ज्यादा जो नेचर है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, या जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है जिसमें बहुत ज्यादा चीज आती है, आपकी फिजिक्स आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका एटीट्यूड आ जाता है, तो ये चारों जो कॉम्बिनेशन ये एक काइंड ऑफ चार्मिंग पर्सनैलिटी का है, तो वो बहुत ज्यादा लड़की को अट्रैक्ट करता है। तो आपकी अगर पर्सनैलिटी ऐसी है तो बिलीव मी आप एक चार्मर हो सकते हैं जो लड़कियों के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो, और आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होगी, और इस ऑप्शन को देख के भी लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ऐसे बंदों को बहुत ही ज्यादा इजीली ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी जरा भी इससे रिलेटेबल है तो आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप है वो द चार्मर है। और बात करूं अपने लास्ट पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि द स्टार पर्सनैलिटी। अब स्टार पर्सनैलिटी ज्यादा सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका स्टेटस होता है, कार्स होती है, मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, जिसे स्टेटस को ही देख के लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। काइंड ऑफ आप में से सोच रहे होंगे कि जो लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए, काइंड ऑफ वैसी पर्सनैलिटी। इट्स नॉट अबाउट मनी, बट इट्स मोर देन मनी, इट्स लाइक स्टेटस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार के लिए। अगर आप देखोगे काफी स्टार्स हैं इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी लड़कियां उनको पसंद नहीं करती पैसा होने के बावजूद भी। तो स्टार पर्सनैलिटी जो स्टेटस ड्रिवन ज्यादा होती है, तो ऐसी पर्सनैलिटी टाइप जहां पे आपका एक स्टेटस बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा आपका एक स्टैंडर्ड है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी को हम लोग द स्टार पर्सनैलिटी बोलते हैं। अगर आपकी ऐसी है, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत हो जाती है जो पॉपुलर फेम उनको मिलता है, तो ये पर्सनैलिटी टाइप द स्टार है। अगर आपका नेचर कुछ ऐसा है तो आपकी ये स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो ये था वीडियो का एंड, आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है कॉमेंट में जरूर बताना, कि आप स्टार हो, कैरिस्मेटिक हो, बैड बॉय हो या कुछ और, तो कॉमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और चाहते हो फीमेल गेज के बारे में जानना कि लड़की का पर्सपेक्टिव क्या होता है जब अट्रैक्शन की बात आती है, तो आप मेरी रीसेंट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ गाइस सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।